क्या कहते हैं आप, नीरा चालू करने कहते हैं शराब चालू करने कहते हैं? दोनों चीज चालू कर दे, दोनों चीज रहेगा, जरा जो मन रहेगा अपना पिएगा। शराब चालू करेगा तब है ना, जे कमा के जाता था पीता था, पौआ पीता था, उसका बाद सो जाता था, बढ़िया आराम से सो जाता था, ओहो बंद हो गया कि नीरा पिया, नीरो भी बंद। बिहार के नालंदा जिला में बिहार शरीफ आए हुए हैं। बिहार शरीफ में नीरा प्रोडक्शन हाउस 2017 में ही स्थापित किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे नालंदा नीरा परियोजना उद्योग विभाग का प्रतिष्ठान लिखा हुआ है और स्थान बाजार समिति परिसर बिहार शरीफ। ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये बाजार समिति का परिसर है और ये सामने जो आप देख रहे हैं नीरा प्रोडक्शन हाउस है और सामने आप इधर देखिए इसके ठीक सामने FCI का गोदाम है। तो ये आपको बता दें बिहार में कुल 4 नीरा प्रोडक्शन हाउस है। पहला बिहार शरीफ, नालंदा के बिहार शरीफ, दूसरा खिजरसराय गया और बरारी भागलपुर और हाजीपुर में 4 नीरा प्रोडक्शन हाउस हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आए हुए हैं नीरा प्रोडक्शन हाउस बिहार शरीफ नालंदा। ये जो आप देख रहे हैं ये नालंदा नीरा उत्पादन केंद्र बिहार शरीफ है। ये जो सारी मशीनरियां पड़ी हुई है ये जंग खा रही है, इससे ना तो नीरा उत्पादन हो रहा है ना ही सरकार को रिवेन्यू प्राप्त हो रहा है, यह केवल जंग खा रही है। एक बात आपको और बता दें, 2017 में बड़ी ही तामझाम के साथ बिहार सरकार ने 4 नीरा उत्पादन संयंत्र स्थापित किए थे, 4 नीरा उत्पादन केंद्र स्थापित किए थे, जिनमें से सिर्फ 2 नीरा उत्पादन केंद्र अभी हैं, बाकी 2 बंद हो चुके हैं। ये पहला नीरा उत्पादन केंद्र नालंदा और दूसरा हाजीपुर अभी है। ये जो मशीनरियाँ आप देख रहे हैं ये करोड़ों की लागत के साथ सरकार द्वारा स्थापित किए गए थे नीरा उत्पादन के लिए, परंतु आज इनसे उत्पादन 0 हो रहा है। शराबबंदी कानून, शराबबंदी कानून बिहार सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है। शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार एड़ी चोटी एक कर रही है, फिर भी शराबबंदी कानून सफल होता नज़र नहीं आ रहा है। शराबबंदी कानून के चक्कर में बिहार के हजारों लोग कोर्ट कचहरी की चक्कर काटने को मजबूर हैं। सरकार को मालूम होना चाहिए शराबबंदी कानून और दूसरा नीरा उत्पादन परियोजना दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जिस तरह सरकार शराबबंदी कानून पर जोर दे रही है उसी प्रकार नीरा उत्पादन पर भी सरकार को जोर देना चाहिए, क्योंकि जब तक नीरा उत्पादन नहीं होगा तब तक शराबबंदी कानून सफल नहीं हो सकता है। इस बात को हम आपको एक तर्क के माध्यम से बता सकते हैं। मान लिया जाए आप पिछले कई वर्षों से रोटी खाते आ रहे हैं, परंतु एकाएक रोटी आपको खाने नहीं दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा, रोटी खाने के लिए आप तड़पने लगिएगा। तो सरकार इसी क्रम में आपके लिए चावल की उपलब्धता करवाती है और रोटी का स्थान पर आप चावल खा लीजिएगा। मतलब कि सरकार द्वारा एक तरफ शराबबंदी कानून लाया गया और दूसरी तरफ नीरा उत्पादन के लिए व्यवस्था की जाने लगी, परंतु नीरा उत्पादन केंद्र से नीरा का उत्पादन कुछ भी नहीं हो रहा है और शराबबंदी कानून पर जबरन जोर दिया जा रहा है और बिहार की जनता पर थोप दिया जा रहा है। परिणामतः हजारों लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने को मजबूर हैं। लेकिन सरकार को मालूम होना चाहिए कि जब तक हम नीरा का उत्पादन नहीं करेंगे तब तक शराबबंदी कानून 100% सफल नहीं होगा। शराब पीते हैं जी? नहीं। नीरा पिए हैं कभी? कभी नहीं। क्या कहें, आईवेन किया है नीरा, अभी तो आएगा कहाँ से नीरा का? नीरा का निर्माण तो 2017 से ही हो रहा है। 17 में हुआ तो अभी मिला नहीं जी, अभी 2022 हो गया। नीरा अभी तक आप टेस्ट नहीं किए? नहीं किए। नीरा कौन पिया है अभी, कोई जामा है कि नीरा चालू है? नीरा नाम सुने है ना? सुने है लेकिन पिए नीरा पिए नहीं है। नहीं। तो अभी हम नीरा प्रोडक्शन हाउस के पास ही हैं और यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। इन लोगों का कहना है कि नीरा कैसा होता है हम पिए भी नहीं है। नीरा बंद करो, सब चीज सर क्या बोले, नीरा बंद करो, जब कुछ पीवे नहीं करते तो हमें सब नीरा बंद करो। नीरा तो बंद है, ये है नीरा उत्पादन कहाँ हो रहा है? शराब चालू करो, शराब चालू करेगा तब है ना, जे कमा के जाता था पीता था, पौआ पीता था, उसका बाद सो जाता था, बढ़िया आराम से सो जाता था, ओहो बंद हो गया कि नीरा पिया, नीरो भी बंद है।
नीरो बंद है। हाँ तो क्या करें, पहले वाले 50 में, आप होता है 100 में। क्या बोले, पहले होता था 20 रुपया में, आप होता है सोचे 100-150 रुपया में। क्या 20 रुपया में होता था पहले दारू, पहले 20 रुपया में होता था ना, पोच देता था। ये तो पीने वाला जानते होंगे, आप देता सोचे बैंक जो उतने देता 100 रुपया में। दारू तो चालू है, कहते हैं आप नीरा चालू करने, कहते हैं शराब चालू करने, कहते हैं दोनों चीज चालू कर दे, दोनों चीज रहेगा, जरा जो मन रहेगा अपना पिएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं अभी नीरा प्रोडक्शन केंद्र के परिसर में FCI के कर्मचारी। फिलहाल अब हम लोग किन्हीं और लोगों का राय लेने चलते हैं कि नीरा का वो स्वाद टेस्ट किए हैं कि नहीं।